हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड गाइस। हल्की हल्की सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, ठंडा मौसम शुरू हो गया अब, तो एक ना अलग सी वाइब स्टार्ट हो जाती है, फेस्टिवल वाइब, क्योंकि फेस्टिवल्स वगैरह भी हैं, अब चल ही रहे हैं, आप सब भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और सर्दियां हैं, ठंड है, अब तो सब्जियां भी चेंज होके आया करेंगी, गर्मियों वाली सब्जियों से मतलब मन इतना भर गया था ना, वो भी खा खा के बोर हो गए थे। सो अभी गाजर, मटर और हरी सब्जियां जैसे पालक, साग, मेथी, मूली सब्जियां भी चेंज हो जाएगी, मतलब सीज़न चेंज होते ही हर चीज़ चेंज हो जाती है, तो एक अलग सी फीलिंग आती है फिर। ठीक है, इंसान बोर नहीं होता हर चीज़ से। सो बस अभी ना दक्षु सो रहा है, मैं उठी थी, सो के फ्रेश हुई, हाथ मुँह धो के फ्रेश फ्रेश हो के, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ आज का। मेरी आर्म देखना कितनी बड़ी लग रही है, इसमें कैमरा का एंगल मैंने ऐसे रखा हुआ है, इजीली ऐसे हो रहा था। सो अभी एसी की अपॉइंटमेंट, एक्चुअली एसी की अपॉइंटमेंट ले रखी थी हमने, कल से एसी की सर्विस थी हमारी, तो आज एसी की सर्विस करवा के अभी हटे, तो इसीलिए आज जल्दी उठ गए थे। तो भैया अभी गए हैं एसी वाले कंपनी से, आए हुए थे। सो बट बहुत ज़्यादा खलारा मचा के चले गए हैं, इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है मेरे लिए, मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती। सुदक्षु के पापा, अभी मेरा कुछ ऑर्डर आया था, मैं ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें डेकोरेशन वाली घर के लिए मैं ना ऑनलाइन मंगवा रही हूँ आजकल, छोटी छोटी चीज़ें, कभी कुछ कभी कुछ। तो बस अभी भैया डिलीवर करके गए हैं और दक्षिण के पापा नीचे गए हैं, इनको नीचे मूलियाँ दिख गई, सब्जी वाला जा रहा होगा तो मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं मूली ले लूँ, मैंने कहा हाँ ले लो, पराठे बन जाएंगे। सो बस मैं अभी क्लीनिंग करने लगी थी, सारी क्लीनिंग करने के बाद ही मैं किचन में जाऊँगी, ऐसे तो मैं बिल्कुल भी, मेरा मन ही नहीं लगेगा इधर उधर। मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या हालत हो रखी है, कॉटन के क्लोथ वगैरह कहाँ फेंक गए हैं, और वो एक्सटेंशन बोर्ड इसके ऊपर जो रखी हुई थी, यहाँ पर खड़े होकर चढ़ के भैया ने एसी की सर्विस की है, और अभी एसी ऑन है, भैया ने बोला थोड़ी देर ऑन ही रखना। और नीचे फ्लोर की बहुत बुरी हालत हो गई है, अच्छा हुआ मैंने यहाँ से शूज़ वगैरह सब हटा दिए थे, ये सब गीला हो रहा है, ये देखिए बाहर क्या कंडीशन हो रखी है। चलो उधर से तो भैया ने वैसे साफ़ कर ही दिया, ज़्यादा गंदा नहीं है, तो वॉशिंग मशीन उधर करके मैं यहाँ पर पानी डाल के डायरेक्टली धो देती हूँ इसको, देन फिर अंदर की क्लीनिंग करूँगी। और मेरा बेटू अभी सो रहा है, मेरा गुड्डा बाबा, इसको दिखाती हूँ, लाइट ऑफ है, पीछे वाले रूम में सोए थे एक्चुअली कल रात को हम, सोया पड़ा है, चलिए लग जाते हैं काम पे, ये भी आ जाएंगे अभी थोड़ी देर। डोर खोल देती हूँ, इनका ना शूज़ लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, अभी स्टॉपर नहीं लगा रखी है इसमें, तो शूज़ लगा के ऐसे मैं थोड़े से डोर खोल के रखती हूँ। और गाइस कूड़ा इतना सारा इकट्ठा हुआ पड़ा है ना, आया ही नहीं कूड़े वाला, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोगों को। सो गाइज अभी आ गई हूँ मैं बालकनी में, सो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि एसी की सर्विस करवाई थी ना, तो आउटडोर और इंडोर दोनों की सर्विस हुई है, तो फिर बाहर भी क्लीन किया था, आउटडोर बाहर है बालकनी में लगा हुआ ऊपर, तो इसकी वजह से फिर बाहर भी गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो बालकनी से क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ, बाहर से ही सारा क्लीन करना स्टार्ट करूँगी, तो अंदर की तरफ आते आते फिर अंदर रूम्स वगैरह, फिर अंदर पूरे घर की क्लीनिंग कर दूँगी, तो फिर इसीलिए फिर मैं बाहर आ गई थी कि चलो पहले बालकनी को पूरा वॉश करके, क्लीन करके वॉशिंग मशीन वगैरह सेट कर देती हूँ साइड में। सो यहाँ पर छोटी छोटी हेल्प दक्षु के पापा मेरी करवा देते हैं, सो बस यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया मैंने, वॉशिंग मशीन वगैरह सब इधर खींच के कर गए थे वो सर्विस वाले भैया, तो इस पर भी ना काफ़ी छींटे पड़ गए थे पानी के, मिट्टी के अजीब से, तो क्योंकि काफ़ी गंदा था आउटडोर, बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक निकला, गंदगी उसमें से निकली, डस्ट काफ़ी थी उसके अंदर, तो उसी के ना छींटे पड़ गए सारे वॉशिंग मशीन पर, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी क्लीन कर देती हूँ साथ के साथ, और एक कपड़े की हेल्प से, गीले कपड़े की हेल्प से इसको सारा क्लीन कर दूंगी मैं। एंड बाकी अभी
प्लांट वगैरह मैंने नहीं लगाए, मेरे जो प्लांटर्स हैं अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं जो गमले हैं मेरे, तो अभी प्लांट वगैरह नहीं लगाए क्योंकि धीरे धीरे होंगी सारी चीज़ें, अभी तो बस अंदर की छोटी मोटी सेटिंग मेरी चलती रहती है साथ साथ में। तो बस यहाँ पे अभी ये सारी चीज़ें क्लीन करके, प्लांटर वगैरह क्लीन करके इन सबको रख दूँगी और फिर सबसे पहले वॉशिंग मशीन को सेट करके लगाऊँगी पीछे। और यहाँ से ऊपर का व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है, बाहर सामने कितना खुला खुला है। सो दक्षु के पापा होते हैं ना घर पे, तो फिर ये मेरे कैमरामैन कभी कभी बन जाते हैं, नहीं तो फिर मुझे ट्राईपॉड में रख के ही वीडियो शूट करनी पड़ती है। तो बाकी ये होते हैं घर पे, तो फिर इनको बोल देती हूँ कि मेरी वीडियो शूट कर दिया करो, क्योंकि फिर ना थोड़ा अलग एंगल से वीडियो बनती है तो इफ़ेक्ट अच्छा आता है, तो बस यही कारण है। और ये देखिए सामने एकदम टॉप फ्लोर पे रहते हैं हम, और सामने एकदम खुला खुला है, व्यू बहुत अच्छा है हमारे घर से बाहर का। और बस बालकनी का इस साइड का कॉर्नर एरिया मैंने क्लीन कर दिया है, अभी वॉशिंग मशीन को भी सेट कर दिया है। आप नीचे देख सकते हो कितना काला पानी है, सारा डस्ट का है ये आउटडोर में से जो निकला है। सो बस अभी इधर से सारा क्लीन करके फिर अंदर की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। और बस साथ साथ में हम दोनों की बातें चलती रहती हैं, बीच बीच में कोई ना कोई आ जाता है, कोई काम वाला, कोई कुछ, तो दक्षु के पापा उधर चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं मेरे पास इधर फ्री होके, तो फिर हम दोनों बातें करते हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है घर को लेके हमारी कि आगे क्या करवाना है, क्या सारी चीज़ें करवानी हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें प्लानिंग्स वगैरह हम करते रहते हैं। ये देखो नई बालकनी हमारी, नहीं क्या पूरा घर ही नया है, और ये हल्की सी यहाँ पे एक नमी आ रही थी टाइलों की वजह से, इधर क्या हाल थे, प्लस्तर सारा उतर है, अब इसकी वेट कर रहे हैं हम, जब ये सूखेगा उसके बाद ही इसको दोबारा पेंट करवाएंगे, कुछ ठंड की वजह से अभी सूख नहीं रहा। '29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer, maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today, without you I never could have moved away. But now I see what you teach, I do believe I always should have stayed. So guys, हमारे यहाँ पे ना सीलन आ गई है थोड़ी सी, तो देखते हैं अभी बता दिया इसका सूखने का वेट कर रहे हैं, सूखने के बाद फिर हम वेट कर रहे हैं सूखने का, बैठे हैं यहाँ पे कोई आया है हमारे नए घर में, कोई आया है I sit here looking for an answer, maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today, without you I never could have moved away. But now I see what you teach, I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true, I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours.
blessings come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. सो फाइनली बालकनी पूरी क्लीन हो चुकी है। अच्छे से पानी वानी डाल के वाइपर लगा के मैंने पूरी बालकनी को वॉश कर दिया है, धुल दिया है। और बस अभी अंदर की क्लीनिंग करूँगी, पूरे घर की स्टार्ट करूँगी क्लीनिंग। और जैसे ही मैंने ना लाइट ऑन की तो एडिट के टाइम मैंने देखा कि हमारे वॉशरूम की लाइट काफ़ी ज़्यादा ब्लिंक कर रही थी, बट ये कैमरा में ऐसा हो रहा है, रियल में लाइट बिल्कुल ठीक है, ब्लिंक नहीं हो रही। मैंने भी एडिटिंग के टाइम देखा कि ये लाइट को क्या हो गया। सो बस अभी अंदर की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी फिटिंग्स वगैरह करनी बाकी हैं। और दक्षु के पापा यहाँ पे लगे हुए हैं। एक्चुअली वाईफाई लगाया था ना, तो उसकी वायर्स वगैरह ऐसी ओपन छोड़ रखी थी, तो फिर दक्षु के पापा ने ना मतलब भैया से बोला, वाईफाई वाले भैया से बोल दिया था कि ये मैं खुद ही अच्छे से अपने हिसाब से फ़िट करूँगा। और फिर हमने ना नीचे नीचे से इस तरीके से वायर्स वगैरह लगा के, वो वाइट क्लिप्स आते हैं उनसे लगा के, बहुत ही अच्छे से इन्होंने वायर को सेट कर दिया था, वाईफाई वाली वायर जो होती है। तो बस वही मैं साथ साथ में हेल्प करवा रही थी इनको, वही छोटी छोटी जो कीलें होती हैं वाइट क्लिप में लगी हुई वो, और हैमर वगैरह उठा के दे रही थी। तो बस ऐसे ही मिलजुल के अपने घर के काम करते रहते हैं हम दोनों, और अच्छा भी लगता है, एक फैमिली टाइम भी स्पेंड हो जाता है, मिलजुल के काम हो जाता है और घर के काम भी टाइमली ख़त्म हो जाते हैं। सो ऐसा होना चाहिए फैमिली में। सो ऐसे बड़ा मज़ा आता है एक दूसरे के साथ काम करने में। और बस ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ये दक्षु के पापा करवाते रहते हैं मेरे साथ अंदर घर में। एंड फिर शाम होते ही हम आ गए थे बाहर कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि पूरा दिन काम करते करते थक जाते हैं। तो फिर आ गए थे हम चाप चटोरे जंक्शन पर खाने पीने के लिए आ गए थे। मोहन गार्डन में ही है हमारे एरिया में, तो बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है ये, और हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब डिनर वगैरह से लेके और चाइनीज़ फूड वगैरह एवरीथिंग। सो बहुत ही अच्छा टेस्ट है यहाँ का। और हम मतलब पूरे हमारे इस एरिया में ना हमें एक यही रेस्टोरेंट हमारा फेवरेट बन गया है, तो हम हमेशा यहीं पे आते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और जैसे दक्षु है ना मिर्ची वगैरह कम खाता है, तो हम यहाँ पे ना अपने हिसाब से चीज़ बनवा भी लेते हैं कि बच्चे को खिलानी है, जैसे एग रोल वगैरह होती है ये सारी चीज़ें। तो भैया ना बहुत अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग है हमारी, इनसे बहुत ही अच्छी बन गई है। तो मिर्ची वगैरह नहीं डालते दक्षु की वजह से, अगर उसको कुछ खिलाना होता है बहुत ही अच्छे से चीज़ें बना के देते हैं खाने पीने की। तो हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट बन गया। अगर आप भी इस साइड आते हो तो चाप चटोरे जंक्शन पे ज़रूर आना, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। और गूगल पे भी आप इसको सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ इनके मिल जाएंगे। एंड देन घर पे आते ही बस और कुछ शूट करने के लिए था नहीं, तो एक मच्छर दिख गया हमें शूट करने के लिए। तो दक्षिण के पापा बोल रहे फटाफट से इसका क्लोज़अप ले, देख कितना मोटा मच्छर है। और जैसे ही मैंने इसको क्लोज़ करके कैमरा में देखने की कोशिश की, ये एकदम खून से भरा हुआ लाल मच्छर था, और आई थिंक ये डेंगू का मच्छर था। तो बस यही टाइम पास चल रहा था हमारा वापस आकर घर पे, और कुछ शूट करने के लिए था नहीं, तो मच्छर को ही शूट कर डाला हमने। और दक्षु बहुत मस्ती कर रहा था, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें लगे हुए थे पंगे करने। तो ये सब कुछ चलता रहता है हमारा। सो बस इसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, और बस अभी टाइम आ गया है आप सबसे विदा लेने का। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना गाइज। इसी मच्छर के साथ मैं इंद्रजीत कौर और मेरी फैमिली लेते हैं आपसे विदा।
हम फिर मिलेंगे न्यू नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, फिर मिलूंगी, बाय बाय।